हेलो, राम राम जी। स्वागत आज के नए ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल कविता जी ब्लॉग में। आज कुछ अलग दिख रहा है। आज हमने अपनी कर दी शुरू रेस, शाम की दौड़, वॉक ला ले दौड़नी। तो अब माई हम ब्रह्म सरोवर पे देखो भी कितना किया जाएगा। खुला इलाका है, दिखाती हूँ मैं आपको आगे से। शाम के टाइम पे घूमते हैं लेडीज। पानी है, मौसम सुहावना हो रहा, और साथ में टोपी वाले बाल कटवा रखे इन्होंने जब टोपी पहन रहे हैं। बनेरी आगे बत्तख तैर रही है पानी में, किनारे पे आ रही थी, अब कितनी स्पीड से चल रही है अंदर की ओर। कुछ टाइम बाद यहाँ पे गीता जयंती लगने वाली है, आगाज हो चुका है। 1 दिसंबर से बोल रहे हैं भी लगेगी। दिखाते हैं आपको भी कैसे रहती है गीता जयंती। शाम का टाइम है, आवाजें आ रही होंगी आप लोगों को। पूरा ब्रह्म सरोवर पे घूमती है ये आवाजें, स्पीकर लगे हुए हैं। बाहर बैठी है आराम से, कितनी प्यारी लग रही है। गीता जयंती के लिए पेंट चल रहा है। सूरज छिपने की ओर छोटा सा लाल लाल गोला नजर आ रहा है। एक चक्कर पूरा हो चुका है, दूसरे की मदद नहीं आज लगाने की, कल से देखेंगे दो, है ना। आज पहला दिन था, ठीक है। शांति है, सुबह से हम लोग बहुत आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर घर जाएंगे। और इस रेलिंग तक पानी सुखा रखा, दूर की दूर। ये छठ पूजा भरनी कड़े सी हुई है, हैं? पानी तो दूर की दूर सूख रखा। गीता जयंती के लिए तैयारियां चल रही है पूरी। की बज गई बैंड, कितने दिन में चल रहे हैं, मार्च के बाद अब चल रहे हैं, हैं? उस टाइम पे और उन जगह दूर की दूर ही है, बस ग्रीनरी दूर की दूर है ही नहीं। बाहर तो बतेरे हैं, आरती का टाइम हो रहा है, अदूर की दूर आरती बजी है। और इस टाइम अनाउंसमेंट करी जा रही है भी रेलिंग के पार जो भी ना आएगा उसका 500 रुपये जुर्माना, साइकिल नहीं चलाना अंदर, पैदल चलो कितने चलो, लेकिन साइकिल और ना आना मना है। स्कूटी पाए थे घूमने के लिए, घर से नहीं आए, घर से परे नहीं आए, स्कूटी पे आए हैं। और हमारा सोचा भी रोज आए करेंगे कि थोड़ा चर्बी फिर बोर्ड का फिर चढ़ रही है, पीछे ट्रैफिक नहीं है ना, इस वजह से घूमना अच्छा है। ट्रैफिक भी नहीं है, रूम भी वैसे भी पानी की भी ठंडी ठंडी आवा है, शोर शराबा भी बस एक भक्ति गीत चलते रहा मैं वैसे नहीं है। कुल मिलाकर अच्छा है। फिर चल पड़े हम उधर की तरफ, पहुंच गई घर, सांस चढ़ गया। तो काफ़ी टाइम हो गए थे
मार्च के बाद अब नवंबर में स्टार्ट करेगा घूमना। पहला दिन था, कमर की बैंड बज गई, रेस्ट करूंगी, फिर अपने घर के काम करूंगी, रोटी पानी बनाऊंगी। यहाँ तक आया गया, देखते देखते वीडियो को लाइक जरूर दे दो, जो नए आ रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। चमके बज गए 6:30, डिनर का टाइम हो चुका और मैं बनाऊंगी ग्रीन गोभी, हरा मसाले वाली गोभी। गोभी मैंने उबाल ली है क्योंकि मैं लगाने लग रही हूँ। तो मीशो से पार्सल मंगवाए थे, एक तो ये थे छलने 12, और ये था फ्रिज का कवर, और अंदर बिछाने वाले मैट। ये आ रहे हैं एक, दो ये हैं, तीन, एक ही अलग सा दे रखा, पता नहीं क्यों दे रखा है, और दो ये हैंडल है। ये थे, और एक था यारो का कवर, ये मंगवाया था मैंने, मंगवाया था एक मशीन का कवर। ये मेरी 8.5 किलो की है, लेकिन ये बिल्कुल फ्री साइज है कवर का। ये मुझे ठीक ठाक रेट में मिल गए थे, 180, 190, 270 का वो था, 180, 190, 90 और 274 का। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मीशो से ठीक मिलती हैं। मैं फ्रिज का कवर लेके आई थी 190 का, पता नहीं 175 का, तो पहले ही वैसे ही दिया था, अंदर वाले नहीं थे। कुछ चीज़ें हैं जो ठीक मिल जाती है, और ऑप्शन भी होते हैं अपने हिसाब से लेने के। और एक मैंने पर्सनल सामान मंगवाया था अपना, तो सामान आवे तो मेरी सास नीचे बैठी रहे, तो उसको ये एक्साइटमेंट हो जाए भी पता नहीं भी के आया, मेरे को दिखाओ। कल मेरे पीछे बिल्कुल पीछे लग गई, उनका दिखा के जा। मैं बोली महा सबके सामने खुलन का नहीं है माँ, मेरा पर्सनल सामान है। उनको सुनाई थोड़ा कम देवे है, उनका ले मेरे तेन दिखा दे, मेरे तेन न्यू नहीं कर दे, मैंने तो बूढ़ी समझे है ये वो है। मैंने कई बार कहा महा माँ सबका सामना खोलन का नहीं है यू, लेकिन सुनाई नहीं दिया उसने। फिर थोड़ा गुस्सा हो गई, मेरे तो दिखा दे रही, फिर ऊपर तो दिखाया का ही माँ इसने नहीं खोल सकती, मैं यहाँ पे ऊपर भी नहीं दिखा सकती, मैं मेरा खुद का है थोड़ा सामान। तो चलिए करती हूँ आज के व्लॉग का यही एंड, और बने रहिए आगे नए व्लॉग में, और वीडियो को लाइक जरूर दे दिया करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को बिल्कुल भी प्यार नहीं देने दे आप लोग, देख लिया करो। चलिए बाय।